महोदय पहला नंबर में डेट से ब्रांच और गुणवत्ता की जांच किया था। दूसरा में सर प्रिफाल भवन निर्माण का गुणवत्ता की जांच किया जा सर। चौथा में सर ये विद्यालय मरम्मती दरभंगा जिला में प्रभारी मंत्री को डीईओ और डीपीओ की वजह से शर्मसार होना पड़ा। दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह और डीपीओ रवि कुमार की जिला में किए गए कामों के कारण प्रभारी मंत्री मंगल पांड्या को 20 सूत्री बैठक में शर्मसार होना पड़ा। जदयू नेत्री मृदुला राय डीईओ और डीपीओ पर जमकर भड़की कि जो भी काम जिला में किया है वह काम सही नहीं किया है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षा विभाग में हमारे सरकार केंद्र सरकार दोनों जो है ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ है। ये जब से समर बहादुर सिंह और डीपीओ ये रवि कुमार सिंह जब से दरभंगा में आए लूट खसोट मचाए हुए हैं। जबकि रवि जी को यहाँ से यहाँ नहीं आना था, उनको प्रशिक्षु है वो, उनको भेजना था, निदेशक भेजे हैं उनको वहाँ गया प्रशिक्षण के लिए जाना था लेकिन वो गया नहीं गए और डीओ के कहने पर डीओ मैनेज करके यहाँ रखे। और क्योंकि ये दोनों सगा संबंधी है ये पूरा लूट खसोट मचा दिया है इसी के लिए कि ये जो हमारे दरभंगा जिला में लूट खसोट हुआ है ये दोनों के चलते शिक्षा विभाग में। इतना ही नहीं एक नंबर में ड्रेस ब्रेंच गुणवत्ता की जांच में भारी पैमाने पर इसमें कालाबाजारी हुआ है। प्रिफाल भवन निर्माण के गुणवत्ता की जांच किया जाए तो भारी पैमाने पर उसमें कालाबाजारी हुआ है। विद्यालय मदरसा के गुणवत्ता की अगर जांच किया जाए तो वहां भारी पैमाने पर लूट खसोट हुआ है। ये हमारे छात्रवृत्ति में हमारी बच्चियां को छात्रवृत्ति पोशाक योजना में 35 लाख का घटोला हुआ है। ये भारी पैमाने पर घटोला किया है, गबन किया है। इसके लिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं इस मुद्दा को उठाइए और नहीं उठाइएगा तो हमको आवाज दब जाएगा। इसी के लिए आप लोग आप जो अभी प्रभारी महोदय को मंत्री महोदय को कह रही थी उन्होंने क्या कहा? वो आश्वासन दिए है, हम धरना पर बैठ गए थे, मैं तो धरना पर बैठ गई थी और यहाँ से अगर नहीं करेंगे तो हम वहाँ पटना में जाकर आश्वासन दिए हैं, पटना में जाकर के भी निगरानी को जांच में देंगे, इनको बर्खास्त करेंगे, दोनों को बर्खास्त करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर मृदुला राय।